मैं पिछले कुछ सालों तो अपनी प्रॉब्लम जी रहा सी, जिस तरह अकलेशिया कार्डिया कह जाता है। प्रॉब्लम के दौरान मैंने की होंगे जी, जिस तरह कुछ खाँदा पीता वो फुली डायजेस्ट नहीं होंगे तो रिफ्लैक्स होंगे जो मैं सौंदा सी। फिर एक दिन मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल चो किसी ने सुजैसट किया जलंधर डॉक्टर जसमीत आलूवालिया स्टाफ हॉस्पिटल। सो मैं इतने डॉक्टर साहब को विजिट किया तो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया जी। हम 2 मंथ हो चुके हैं अप्रॉक्स, तो बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम वरिंदर सिंह है, मैं मोगा तो बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले कुछ सालों तो अपनी प्रॉब्लम जी रहा सी, जिस तरह अकलेशिया कार्डिया कह जाता है। सो मैं काफ़ी टाइम तो डॉक्टर्स को दिखाया बट मैंने किसी ने सही सुजैशन नहीं दी। मैं DMC लुधियाना भी विजिट किया जी, ठीक है जी, 1-2 होर हॉस्पिटल ने लुधियाना के, बट मैंने किसी तो कुछ सैटिस्फैक्शन आंसर नहीं मिले। प्रॉब्लम के दौरान मैंने की होंगे जी, जिस तरह कुछ खाँदा पीता वो फुली डायजेस्ट नहीं होंगे ते रिफ्लैक्स होंदा सी जदों मैं सौंदा सी, जिहदे करके मैनूं रात नूं खांसी आउंदी सी जी, ते रिफ्लैक्स होंदा सीगा। सो एसिड बनदा सीगा। फिर एक दिन मैनूं मेरे फ्रेंड सर्कल चों किसी ने सुजैसट किया जलंधर डॉक्टर जसमीत आलूवालिया स्टाफ हॉस्पिटल। सो मैं इतने डॉक्टर साहब को विजिट किया, डॉक्टर साहब ने मेरी एंडोस्कोपी की। वाइल एंडोस्कोपी उन्होंने पता लगे कि मैं एक्लिशिया कार्डिया प्रॉब्लम है। सो उन्होंने मैंने सुजैसट किया कि एक छोटी सर्जरी होगी लैप्रोस्कोपी, जो कि दूरबीन राही की जाएगी। सो आफ्टर ट्रीटमेंट, ठीक है जी, उस तो बाद जिस तरह मैं डॉक्टर साहब को विजिट किया तो डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया जी, तो वायरल सर्जरी मैं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी है। आफ्टर सर्जरी भी हम 2 मंथ हो चुके हैं अप्रॉक्स, तो बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो सर्जरी के दौरान भी जो छोटे छोटे कट्स लगे थे, 3-4 कट्स से, उन्होंने जो स्टिचेस भी सके वो डिजॉल्विंग से, कटवाने नहीं पाए बाद में। हूँ तकरीबन 2 मंथ बाद भी जो मैं फील कर रहा हूँ वेल एंड गुड है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, रिफ्लैक्स नहीं हो रहा है, एसिडिटी भी नहीं फील हो रही है। सो जो मैं इतने विजिट किया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ने जो मैंने सुजैशन दी कि सर्जरी होएगी। सो सर्जरी के मैं बहुत वरिड सी क्योंकि डर होंगे वह, बट मैंने डॉक्टर साहब ने भरोसा दवाया कि इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। सो जिस दिन सर्जरी भी सी, सर्जरी के दौरान भी मैंने कुछ फील नहीं होया। तो सर्जरी तो आफ्टर सर्जरी मैं 3-4 घंटे बाद खुद उठ के वॉशरूम गया। सो 1-2 दिन के लिए इतने मैं एडमिट रहना पिया, तो स्टाफ का नेचर भी बहुत फ्रेंडली सीगा। सो उन्होंने भी मैंने बहुत सपोर्ट किया, एंड जो मेडिसन सी वो 2 मंथ मैंने खानी पई है। सो डॉक्टर साहब को जिस तरह मैं अज विजिट किया, डॉक्टर साहब ने मैं मेडिसन डिसकंटिन्यू कर दी है। मैं यही कहना चाहवागा, अगर किसी ने भी इदा की कोई प्रॉब्लम है, डरन की कोई लोड़ नहीं, तुम एक बार डॉक्टर साहब को जरूर विजिट करो। डॉक्टर साहब तुम्हें सुजैशन देंगे जो थोड़े ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग होगी। ट्रीटमेंट जो मेरा हुआ से लैप्रोस्कोपिक के थ्रू होया, दूरबीन राही। सो कोई डरने वाली गल नहीं है, तो एक बार डॉक्टर साहब को जरूर विजिट करो।